कोरोना संकट काल में आपने लोगों को भोजन बांटते, पशुओं को चारा खिलाते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन इन दिनों चोमू विधायक रामलाल शर्मा और उनकी टीम खून की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए खून उपलब्ध कराने में जुटे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते रक्तदान शिविरों का आयोजन नहीं हो पा रहा है और ब्लड बैंकों में खून की कमी होने लगी है। विधायक शर्मा ने बताया कि उनकी टीम ने ब्लड ग्रुप के अनुसार सूचियां तैयार कर रखी हैं और क्षेत्र के मरीजों के लिए आवश्यकता अनुसार ब्लड यूनिट उपलब्ध कराई जा रही है। इस संकट के समय कई कॉल इस प्रकार के आते हैं कि जिनके परिवारों के अंदर ब्लड की आवश्यकता है, लेकिन अभी ब्लड बैंकों के अंदर भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर नहीं लगने की वजह से वहां पर भी ब्लड उपलब्ध नहीं है। तो हमने एक सूची इस प्रकार की बना रखी है कि जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति के जिस ग्रुप की भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है तो उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए हमारे युवा साथियों को हम कहते हैं, और वो शहर से जाकर अगर चिकित्सालय में जाकर ब्लड डोनेट करने की आवश्यकता होती है तो वो चिकित्सालय के अंदर जाकर भी ब्लड डोनेट करते हैं, और यदि ब्लड बैंकों के अंदर भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो वहाँ पर